लेकिन अंग्रेजी माध्यम में बच्चों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है, थोड़ा सा कठिन। छात्रों की उत्पादकता में सुधार करना है, जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छे से हमारे विषय को समझ सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के विषय में जो अभी तक बात यहाँ से तो भगवान शंकर के दर्शन से इंग्लिश में कन्वर्ट करके चले गए और उसके कारण आज जो डॉक्टर को पढ़ाई करने के लिए MBBS और इंजीनियरिंग के लिए हमको जो है अंग्रेजी सीखने के लिए बाध्य होना पड़ता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा इसको जो है अब हिंदी में शुरू किया जा रहा है, जिसका प्रसारण कल 12 बजे लाइव होगा। इस उपलक्ष्य में और शार्ट में अपनी बात कह रहा हूँ कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है तो मैं भी हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ 12वीं तक। जैसा कि आज गौरव का दिन है, आपके लिए जो MBBS की डिग्री जो की है चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उसे हिंदी माध्यम से लागू किया जा रहा है, ये आपके लिए गौरव की बात है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अधिकतर पास हो रहे थे, पर अब आपको हिंदी मीडियम के माध्यम से अवसर मिलेगा। मैं तो सिर्फ माननीय विधायक महोदय जी के बीच में ये बात रखना चाहता हूँ हिंदी के क्षेत्र में कि पिछले 10 सालों से हमारे मनासा तहसील में एक परीक्षा का आयोजन हो रहा है जिसका नाम है हिंदी ओलंपिया। तो मैं उसकी एक बात रखना चाहता हूँ, उसका एक मास्टर ट्रेनर होने के नाते पूरे तहसील के शिक्षकों को हिंदी में प्रशिक्षित करके फिर उनके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करके और हम हिंदी में जो गौरव हासिल कर रहे हैं उसकी बात बताना चाह रहा हूँ। पिछले जो हमारे परिणाम आए उसमें आपको बताना चाहूंगा, 111 बच्चे नीमच जिले के सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से मनासा तहसील के 52 बच्चे सिलेक्ट हुए। और जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता था उस विद्यालय से 7 बच्चे मेरे अकेले विद्यालय से आए थे। तो मैं उन बच्चों को लेकर उज्जैन भी गया था हिंदी पढ़ाने के लिए, और आज मैं खुशी की बात कहना चाहता हूँ, जब डाइट पे गया मैं तो वहाँ वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे शिक्षक की, तो उनके शिक्षक जो पढ़ाने वाले थे उनको आए कि सर आपके ये बच्चे जो है बुला रहे हैं आपको, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो बच्चे जो है उस विद्यालय में भी अपना हिंदी का वर्चस्व छोड़े हुए हैं। MBBS के लिए स्पेशली MBBS के लिए हिंदी माध्यम से हमको पढ़ाई का आगे हमको अवसर दिया है, और ये हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर ये शुरू हो रहा है ना। बाकी बात में सब जगह होगा धीरे धीरे अप्लाई। और वैसे भी एक चीज़ है कि हिंदी माध्यम से जो पढ़ना है उनको वो हमारे लिए इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है हमारी जो बेसिकली जो हमारी जो भाषा होती है ना वो हिंदी, जनरली जो हम घर में बोलते हैं हमारी मातृभाषा, क्योंकि एक बच्चा जो जो कुछ सीखता है घर में सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, और वही भाषा वो जाकर के स्कूल में भी सीखना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि इंग्लिश मीडियम बच्चे जो होते हैं हम लोग घर में तो हमें हमारी जो रूटीन भाषा है वो बोल रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर हमको क्या होता है कि इंग्लिश में, तो बच्चे उस चीज़ को आसानी से सीख नहीं पाते। तो ये होना चाहिए कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें वैसे ही है कि जो हमारी बेसिक जो प्राइमरी शिक्षा है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए, सब जगह होता भी है। और अभी जो 2020 की शिक्षा नीति बनी है उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि आगे जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है उसका माध्यम भी हिंदी ही होना चाहिए और सब जगह वो शुरू भी की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि हमेशा हिंदी में ही पाठ्यक्रम देते हैं और उनकी हिंदी तो इतनी अच्छी है कि हम लोग तो सोच भी नहीं पाते उस जगह पर। तो यही अच्छा है कि आगे जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई है उसमें भी हिंदी माध्यम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो हिंदी माध्यम से जो आते हैं उन्हें आगे कॉम्पिटिशन देने में वो घबराते हैं, क्योंकि वो इतना ओवर है उनके दिमाग में इंग्लिश को लेकर कि हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पर। तो ये जो शुरू है ना प्रयास बहुत अच्छा है कि जो आम बच्चे हैं जो गाँव से आते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो भी अब आगे बढ़ करके तकनीकी शिक्षा ले पाएंगे और उनको उचित अवसर इस बारे में मिल पाएंगे। आप लोगों तक पहुंची, मैं तो इतना सोचता हूँ कि हिंदी हमारे दिल की भाषा है और अंग्रेजी हमारे दिमाग की,
सबसे बड़ा अंतर ये कि हिंदी में कुछ भी बोलने में हमारे को विचार नहीं करना पड़ता, ऐसा दिल में आता तुरंत जवाब करता है, दिमाग बीच में नहीं रहता। और अंग्रेजी में तो दिल पर दिमाग को बताता है कि ऐसा ऐसा ट्रांसलेट करके बोलो, और फिर बाद में बोलते बोलते वो कहीं अटक जाता है, कहीं सक जाता है, और तब जाके अंग्रेजी बाहर। इसलिए मैं इतना ऐसा मानता हूँ कि हिंदी हमारी बड़ी मीठी भाषा है और अंग्रेजी कड़वी कड़वी। वैसे सहयोग के साथ मैं दोनों ही विषयों के ऊपर, लेकिन ये उनकी बात है, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग पास। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी ने जो शुरुआत करी है मध्य प्रदेश में, पूरे देश का जैसे भी सीमा जी बता रही थी कि देश का पहला राज्य जहां हिंदी का एक प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन अतीत में जाए, हम अतीत में जाए, विश्व को ज्ञान दिया भारत ने, गणित का आविष्कार भारत से हुआ, आयुर्वेद लिखा गया भारत में, जितने वेद शास्त्र लिखे गए भारत में, विश्व का ऐसा कोई देश है, कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, कोई सभ्यता है जिसने कुछ लिखा हो पहले ऐसा? कहीं इन चीजों पर नहीं लिखा गया जो हमारे यहाँ लिखा गया। हमारी रिसोर्सेज तब कौन सी अंग्रेजी थी? तब हमारे ऋषि मुनियों ने पुष्प प्रमाण बनाए थे, जब उनकी वास्तुकला किस हद तक थी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज पुराने निर्माण देखे तो आश्चर्य होता है, कैसे कराओ भाई, कैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए होंगे, और कितना लाइन लेवल, हर चीज कितनी डायमेंशन, कितनी एक्यूरेसी, और तब तो सीमेंट भी नहीं हुआ करते थे। हम उस अतीत को याद, जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक आपको इस देश पर गर्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे को लाड निकाले की शिक्षा में ही पढ़ाया गया कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, हमारी कोई सभ्यता नहीं थी, हम लोग अनपढ़ थे। नहीं, सबसे ज्यादा अगर विद्वान दुनिया में कोई हुए तो भारत में। हमारी क्षेत्रीय भाषाएं खूब चलती हैं, अलग अलग समाजों में देश बटा हुआ, पर इन संतों के माध्यम से, इन ऋषि मुनियों के माध्यम से पूरा देश एक था। अगर उस समय जात पात का फर्क होता तो वाल्मीकि ऋषि लिखते क्या ना, कभी नहीं लिखते। ये सब जातियों में, भाषाओं में अलग अलग उसमें बांटने का काम अंग्रेजों और मुगलों ने किया था, जैसा भी आज बता रहे थे, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का जो काम किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी, इस देश की संस्कृति को फिर से स्थापित कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े वेद लिखे गए तो फिर अंग्रेजी की बजाय हिंदी में शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हम? मेडिकल चिकित्सा शिक्षा हिंदी में देने में क्या देगा? दुनिया की सबसे सरल भाषा, वैसे तो हमारी संस्कृत देवभाषा है, संस्कृत की अगर स्टडी करो तो उसमें आप पढ़ना कि किस तरह से हमारा शब्दों की बनावट हुई, किस तरह से अक्षर बने हमारे, वर्णमाला बनी हमारी, इन सब के पीछे बड़े बड़े श्लोक या बड़े बड़े पन्ने लिखे हुए, एक एक अक्षर के पीछे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये सब ऐसे ही नहीं बन गए कि कुछ भी किधर बैठे कर लिया और भाषा हो गई, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ये तो इतनी बड़ी व्याकरण किताब बनती क्या क्या जरूरत थी? अंग्रेजी में एक ही शब्द सबके लिए, सब अंकल और सब आंटी दुनिया का। वास्तव में हमको मतलब तीन चार पांच किलोमीटर का इधर से इधर घूमना। आज के कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय अल्प निवेदन से यहाँ बना रहे, और नगर परिषद अध्यक्ष फोन से चर्चा पर ही हमसे मतलब आसानी से हाँ भरी, और यहाँ आए बीओ साहब डीआरसी महोदय और हिंदी के जो भी विद्वान है, सबसे पहले फोन पे बात हुई थी शाम को, क्योंकि कार्यक्रम एकदम अर्जेंट बना, कल 5:30 बजे विद्यालय
कि छुट्टी होने के बाद सभी शेड्यूल बना और रात को 8:30 बजे तक सभी रूपरेखा हमने तय कर ली थी।